अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है फजीता सैंडविच। चले अब हम इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक चमचा पिसी हुई मिर्चें, एक चमचा धनिया पाउडर, चिकन पाउडर है आधा चमचा, ज़ीरा पाउडर एक चमचा, चार पांच लहसुन के जवे हैं जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, एक चमचा काली मिर्चें पिसी हुई, चिकन टिक्का पाउडर एक चमचा, नमक हसबे ज़रूरत आधा चमचा, ऑरिगेनो है ये, 8 चमचे केचप, 1.5 चमचा सिरका, सोया सॉस 1.5 चमचा, चिल्ली सॉस 1.5 चमचा, चिकन है 1 पाव जिसके हमने पीसीस कर लिए छोटे छोटे, एक शिमला मिर्च, 2 टमाटर हमने इन दोनों चीज़ों के बीज निकाल कर इस तरह टुकड़ों में काट लिया है, 2 अदद प्याज है जिसको इसको भी हमने चॉप कर लिया है, मोजरेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स है, हमने इसको इस तरह से हरेट लिया है कद्दूकस से, ब्रेड के हमने 8 पीस ले लिए हैं। अब हम शुरू कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें 2 चमचे ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देंगे। इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे चिकन को, इसको सौते कर लेंगे। जब तक चिकन पिंक से वाइट ना हो जाए इसको हम फ्राई कर लेंगे, जब तक 5 मिनट के लिए इसको पका लेना है मुर्गी को। चिकन हमारी फ्राई हो गई है, 5 मिनट के लिए हमने रख दिया था इसको। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, सिरका डाल देंगे, सिरका डाल देंगे इसमें, पिसी हुई मिर्ची डाल देंगे, अब इसमें लहसुन डाल देंगे, अच्छे से सौते कर देंगे। सोया सॉस डाल देंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे, धनिया पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, क्या हुआ, चिकन पाउडर, चिकन टिक्का पाउडर, चिकन टिक्का पाउडर डाल दिया, जीरा पाउडर, काली मिर्चें, ऑरिगेनो ये भी डाल देंगे इसमें, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे अब इसमें, इसको 2-3 मिनट के लिए जिस इसको भी सौते कर लेंगे शिमला मिर्च को, शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे, 1 मिनट तक इसको भी सौते कर लेंगे, चिली सॉस डाल देंगे, टमाटर केचप डाल देंगे, अब ये हमारा रेडी हो गया है, सौते हो गई हैं सब चीज़ें, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमने ब्रेड का पीस ले लिया है, हमने जो सॉस बनाया है वो रख देंगे इसमें। अब हम इस पे चीज़ लगा देंगे, और दूसरा पीस भी इसके ऊपर रख देंगे, एक पीस अब हम और बना लेंगे।
तवे पे हम अच्छे से घी लगा देंगे। आप आपके पास अगर बटर हो तो आप उस पर भी वो भी लगा सकते हैं, मगर हमने घी लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे पर रखकर इसको 2 मिनट तक सेक लेंगे हम, ताकि नीचे से सिक जाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे इनको। इस पर भी ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा घी। थोड़ा सा इस पर भी लगा देंगे घी। अब हम इसको पलट देंगे। दूसरी वाली साइड को भी अच्छे से 2 मिनट तक सेक लेंगे। देखें चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हमारे फजीता सैंडविच तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें, देखें चीज़ें मेल्ट हो रही है। देखें कितने अच्छे बने हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे, बड़े भी, बड़ों को भी मज़ा आ जाएगा खाने में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, इसलिए कि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिलेगी। अब हम मिलते हैं आपसे दूसरी रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।